गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पल्लव ब्लॉग्स के इस नए वीडियो पे। हालांकि पल्लव ब्लॉग्स अब चेंज कर रहा हूँ पल्लव 2.0। तो आज जो है समय आ चुका है कि इस गाड़ी के बारे में जो है एक बार फिर से वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा दूँ कि किलोमीटर जो है कितना चल चुका है, और कुछ बातें भी जो है आपको बता दें कि क्या सीन है। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, और सबसे पहले किलोमीटर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। 1,93,430 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चली है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, एसी ऑन करते हैं सबसे पहले। तो इतना गाड़ी जो है वो चल चुकी है, और इस गाड़ी का जो है सर्विस भी हो चुका था लगभग वही 1,93,000 किलोमीटर पे, लेकिन कुछ काम जो है इसमें नहीं हुआ था। जैसे कि ये गियर लीवर जो है पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है, इसको जो है सही करवाना है। गियर लीवर वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इस वजह से जो है चेंज नहीं करा पाया। दूसरा ये एक देखिए, एक से पानी नहीं आ रहा होगा, उसको भी जो है कराना है सही। पर तीसरा एक और चीज़ जो है मैं दिखा दूँ आपको, ये बटन जो है काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी जो है दिखाना है। तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं, और आज बेसिकली इसी के ऊपर वीडियो रहेगा। और सामान अवेलेबल ज़्यादा रह नहीं रहा है, तो जब से फोर्ड गया है यहाँ से तब से जो है दिक्कत ही जो है हो रही है। तो चलते हैं फोर्ड एजेंसी और वहाँ चल के जो है आपसे मिलते हैं और काम जो है इसका कराते हैं। हालाँकि मैं जब ये कराया था सर्विस तो लगभग वही 5-6 हज़ार के करीब जो है बिल बैठा था। आज देखते हैं कितना का बिल बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं, डलवा लेते हैं। तेल जो है बिल्कुल नहीं है, जैसा कि देख सकते हैं तेल का जो है आपका रिमाइंडर भी जो है वो आ चुका है, और जैसा मैं बात कर ही रहा था तब तक ये भी जो है वो हो गया है। ये देखिए अंदर का सीन भी जो है मैं आपको दिखाई दूँ, ऐसे आता है और कहाँ से दिक्कत है समझ नहीं आ रहा है, वहीं जो है लीवर डिस्टर्ब चल रहा है। तो चलते हैं, इसको दिखवाते हैं, इसको बनवाते हैं, और तेल जो है यहाँ से ले लेते हैं भारत पेट्रोलियम से। अब यहाँ तेल कैसा देता है, कभी कभी जो है ये मार भी लेता है तेल, तो होशियारी से जो है दोस्तों डलवाना पड़ेगा। और चलते हैं तेल डलवा लेते हैं, तेल डलवाने के बाद जो है आपसे सीधे सर्विस सेंटर में मिलेंगे, और कहीं नहीं सीधे सर्विस सेंटर पर ही मिलेंगे। चुके हैं हम लोग फोर्ड सर्विस सेंटर, और आज संडे का दिन है तो भीड़ जो है काफ़ी चाँप के होगी। और देखिए जैसा कि उम्मीद था, भीड़ तो चाँप के है ही, और C10 C11 सब लगा हुआ है एकदम। अब कहाँ गाड़ी लगाएं, कैसे क्या करें, अब समय भी नहीं है और गाड़ी देनी भी है, तो सिस्टम से ही जो है गाड़ी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ चाप दे रहे हैं, और चलते हैं सत्यम भाई को बुलाते हैं, और बुला के जो है काम फटाफट जो है करवाने की कोशिश जो है करते हैं, क्योंकि सर्विस तो कराना ही है हमें, सर्विस तो हम लोग का हो चुका है, इसका काम कराना है। तो चलते हैं अंदर और सर्विस एडवाइज़र से मिलते हैं, देखते हैं क्या बोलता समय है। हो रहा है इतना, और अभी फ़िलहाल मैं जो है निकल रहा हूँ कुछ काम के लिए, और गाड़ी जो है यहीं लगती है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ सिस्टम्स का जो है बदलाव हो चुका है, अभी होंडा में है। तो काम निपटा के आते हैं तब बताते हैं क्या क्या सिस्टम में जो है बदलाव हुआ है, वो जो है मैं आपको अपडेट। तो काम निपटा के जो है 4-5 हो रहा है, अब चल के देखना है काम हुआ है गाड़ी का या नहीं हुआ है। सर्विस में भी समय दो, फिर उसके बाद सामान जब आ जाए उसमें भी समय दो, समय तो नुकसान होना ही है। तो चलते हैं देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है काम, और जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे। थोड़ा सर्दी हो गया, छींक आ रहा है, तो सॉरी उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। गियर लीवर तो फाइनली देख सकते हैं सही हो चुका है, और ये पूरे तरीके से जो है गियर में जो है अब कोई दिक्कत नहीं, यानी कि गियर ये वाला जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इशू ये आ गया है कि गियर बॉक्स का बैरिंग या कुछ भी जो है वो आवाज़ कर रहा है। जब गाड़ी 70 और 80 के स्पीड में चल रही है तब जो है हेलीकॉप्टर की तरह जो है कुछ आवाज़ अंदर आ रही है गाड़ी के, तो उसके लिए जो है गियर बॉक्स को जो है निकालना पड़ेगा। तो गियर बॉक्स निकलवाने का समय तो आज नहीं था, और कल परसों में जो है गाड़ी निकलेगी दिल्ली के लिए भी, तो इस वजह से जो है मैं इसको इसका काम जो है फ़िलहाल अभी डिले कर दिया। पीछे वो वाला विंडो का काम भी जो है अभी तक नहीं हुआ है फाइनलाइज़, क्योंकि इसका मोटर जो है वो ख़राब हो गया है। तो ये दो काम नहीं हुआ, बाकी वाइपर का काम जो है दोस्तों हो चुका है, और बिल वही 550 के करीब बना है। पिछले भी बार जो है बिल था आपका 550 के करीब, वही 10,000 का बिल जो है अभी बैठा है। अब इसका काम होगा गियर बॉक्स का, तब देखिए कितना जो है उसमें खर्चा आता है, वो तो उसी समय जो है मैं बता पाऊँगा आपको। लेकिन अभी का सीन जो है फ़िलहाल यही है, तेल वेल डलवा ही लिया है और सब सीन जो है वो क्लियर ही है। अब गाड़ी रास्ते में बंद ना हो,
मैं पिछले 10 दिन पहले जो है सर्विसिंग हुई थी, तो इसमें जो है लापरवाही हुई है। जो गाड़ी को जो है चेक कर रहा था, जो गाड़ी को देखा था, उसके द्वारा जो है थोड़ा सा जो है दिक्कत का सामना उनको करना पड़ा, इन द सेंस कि वो ज़्यादा ध्यान जो है इस पे नहीं दिया और लापरवाही की है, नहीं तो उसी समय पकड़ा जाता। अगर मैं आज ध्यान नहीं देता तो वो भी जो है गड़बड़ होना ही था। तो यही है फिलहाल, मैं यही बता रहा था आप सबों को कि अगर कोई गाड़ी का आप काम करवाते हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, तो उसको खुद से चला के देखिए, खुद से टेस्ट एंड राइड करिए, ताकि आपकी गाड़ी को आपके आपसे अच्छा जो है कोई नहीं जान सकता है। तो ज़रूर से ज़रूर आप फोकस करिए कि दिक्कतों को पकड़ना शुरू करिए। जैसे मैंने इस दिक्कत को पकड़ा तो वहाँ पे जो है उसका सॉल्यूशन निकला, और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैसे ही गाड़ी चलाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत जो है फेस करना पड़ सकता है। तो यही है, खुद के गाड़ी को खुद से पहचानिए, खुद से सीखिए, तभी जाके जो है अगला आपकी गाड़ी के ऊपर जो दोस्तों ध्यान रहेगा। अब जितने देर सर्विस चलती है मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ कि एक एक चीज़ देखता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आप भी इंसिस्ट करिए, कई सर्विस सेंटर वाले जो है रोक देते हैं, नहीं करने देते हैं या देखने नहीं देते हैं, तो उनसे ये बात बोलिए, उनको जो है बात बताइए कि सर्विस जो है दोस्तों मेरे सामने ही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव।